वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन यूट्यूबर दीप्ति में, जहां आप देखते हैं ब्लॉग्स, रेसिपीज, DIYs एंड सम ब्यूटी टिप्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना ड्रेसिंग टेबल का मेकओवर। सो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं वेरी फर्स्ट टाइम, तो जल्दी से कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ड्रेसिंग टेबल पे जितना भी मेरा सामान रखा हुआ है, लाइक डिओडोरेंट वगैरह वगैरह जो भी होता है ड्रेसिंग टेबल पे, वो सारा ही सामान जो है वो मैं हटा दूंगी। और ये कुछ स्टिकर्स वगैरह लगाए हुए थे जो कि कृष्णा के स्कूल में बनाए थे, तो मैंने काफ़ी दिन से लगाए हुए थे। तो मैं काफ़ी बोर हो गई थी लाइक इस ड्रेसिंग टेबल से, काफ़ी टाइम हो गया, लाइक 7-8 ईयर्स हो गए हैं। तो मैंने सोचा चलो आज करते हैं इसका मेकओवर और आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सामान हटाने के बाद अच्छे से जो है इसको पोंछ लिया है। उसके बाद हमें जो स्टिकर्स, ये वॉल स्टिकर्स हैं जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ ड्रेसिंग टेबल पे, इजीली ऑनलाइन मिल जाते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसी के साथ साथ हमें एक चाहिए बिग स्केल, बड़ा वाला स्केल, सीजर एंड दिस नाइफ। नाइफ जो है वो स्टिकर के साथ ही आई थी, काफ़ी अच्छा वर्क करती है ये नाइफ, काफ़ी अच्छी आई थी, स्टिकर के साथ ही ये मिली थी। सो यहाँ पे मैं मेजर बाय मेजर, जो मेजर कर करके ही मैं यहाँ पे स्टिकर्स को यूज़ कर रही हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल पे, और छोटे छोटे पार्ट्स में, बिकॉज ऑफ ये जो है बहुत ज़्यादा थिन होता है जो इसका स्टिकर होता है, इसमें बबल्स आ जाते हैं। इस वजह से हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि स्टिकर्स को लगाने से पहले हमें इसका अच्छे से मेजर ले लें, ताकि हमारे स्टिकर्स भी जो ईजिली लग जाएँ और वेस्ट ना हो और प्रॉपर लगें और बबल्स ना आए। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि हमारे स्टिकर्स को लगाते टाइम हम मेजर जो है वो बिल्कुल ठीक करें। और इस काम को करने के लिए पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। लाइक बी ट्रू, मैं आपसे सच बोलना चाहूंगी कि मैं स्टार्टिंग में तो बहुत जोश में आ गई थी कि मैं अपने ड्रेसिंग टेबल का मेकओवर कर रही हूँ लाइक राइट नाउ। फिर जब मैं करते करते लगा कि हाँ, इस मतलब ड्रेसिंग टेबल के मेकओवर के लिए मुझे बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा, और लाइक मुझे इसमें 1 डे एंड 1.5 डे मुझे पूरा लग गया अपनी ड्रेसिंग को मेकओवर करने में, बहुत ही पेशेंस चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मेजर करने के बाद इस तरीके के पीसेस जो है मैं कट कर लूंगी। छोटे छोटे पीसेस को अच्छे से कट करेंगे तो बेस्ट रहेगा, तो उसमें बबल्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी और इक्वल लगेगा, नीट एंड क्लीन लगेगा। तो इस तरीके से आपको एक साइड से अपने स्टिकर्स को धीरे धीरे से, उसके जो स्टिक है उसको हटाना है, और उसके बाद इस तरीके से प्रेस करते हुए, अगर आपके पास रोलर है जो हम वॉल्स वगैरह पे यूज़ करते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने हैंड की हेल्प से, अपने हाथों की हेल्प से ही जो है इस तरीके से लगा रही हूँ, बहुत ही धीरे धीरे, बिकॉज ऑफ मैं बोल रही हूँ कि इसमें बबल्स पड़ जाते, बबल्स पड़ जाएंगे तो वो एक नीट एंड क्लीन वाली फीलिंग नहीं आती है। सो यहाँ पे मैं अपने हाथों की हेल्प से इसको धीरे धीरे स्टिक कर रही हूँ, और मैंने एक एक पार्ट जो है वो अपना रिमूव करके और इस तरीके से मैं इसको लगा दूंगी।
मैं इसी तरीके से स्टिकर्स को कट कट के मेजर करती जाऊंगी, लेकिन मैं स्टिकर्स को पेस्ट करने से पहले उसको काफी अच्छे से पोंछ लेती हूँ ताकि उसमें कोई डस्ट ना रहे और स्टिकर जो है वो अच्छे से स्टिक हो जाए। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी हम स्टिकर्स को चिपकाते हैं तो उससे पहले काफी अच्छे से हम साफ कर लें, तो डस्ट नहीं रहेगा तो स्टिकर जो है वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने इसको मेजर कर लिया है। उसके बाद मैं स्टिकर्स को एज यूजुअल उसी तरीके से जैसा मैंने बताया मैं इसको लगाऊंगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मैं हटा के और थोड़ा थोड़ा सा मैं इस तरीके से पेस्ट कर दूंगी। सो मैंने नीचे वाला तो अपना है, मैंने एक वो कर लिया है कि मेरे को यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट करना है, तो मैंने नीचे वाला इस तरीके से अपना करके धीरे धीरे छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स काट के उसमें साइड में बॉर्डर करके इस तरीके से मैंने लगाया है। मगर इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जैसे कि मैंने बताया पेशेंस की तो ज़रूरत है ही है। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे इसको अच्छे से स्टिक कर दूंगी और वन बाय वन इसको हटा दूंगी। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे बिल्कुल लग चुका है और बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है। आई नो कि व्हाइट कलर जो है वो एक खिल के आता है, तो इससे मुझे इतने से आइडिया लग गया है। तो यहाँ पे बेस्ट थिंग ये है कि आपके जो हैंडल्स हैं जो लॉक्स लगे हुए हैं उनको अगर आप हटा लेंगे तो हटाने के बाद जो है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो फिलहाल मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ, मैं अपने जो भी हैंडल्स लगे हुए थे लॉक्स वगैरह लगे हुए थे उसको मैं हटा रही हूँ। और अगल बगल आपको कृष्णा नजर आएगा जो कि मेरा बेबी है, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताऊंगी कि कृष्णा मेरा बेबी है, तो वो भी आपको यहाँ पे अगल बगल नजर आएगा क्योंकि छोटा है तो आसपास वो घूमता ही रहता है जब मैं कोई काम करती हूं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है देखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने हैंडल्स और लॉक जो है वो दोनों ही अपने खोल लूंगी जो कि इजी रहे मुझको फटाफट से स्टिकर्स को लगाने में। तो यहाँ पे मैं इसका मेजर ले लूंगी और ये देखिए बिल्कुल प्लेन हो गया है, तो इजी है, हम इसको अच्छे से लगा देंगे। एंड देन मैं यहाँ पे अपना लॉक जो हैंडल मैंने लगाया है वो लगा दूंगी। Thank you.
लुक ऑफ माय ड्रेसिंग टेबल। तो मेरी ड्रेसिंग टेबल का मेकओवर हो चुका है, लेट्स सी। अभी मैंने लाइटिंग जलाई है तो उस हिसाब से लाइट आ रही है। उसके बाद मैंने यहाँ फेरी लाइट जो होती है, जो नॉर्मली हम लोग दिवाली वगैरह पे यूज करते हैं, वो मैंने यहाँ साइड में डबल टेप की हेल्प से इसको कर दिया है। लाइट बंद करने के बाद मैं दिखाऊंगी इसका लुक, बहुत ही प्रिटी सा, बहुत ही प्यारा सा बन के आया है। मुझे बहुत खुशी हुई है अपने इस ड्रेसिंग टेबल का मेकओवर करने में, बहुत प्यारी लगी है। उसी के साथ साथ वाइट पिंक के साथ साथ मैंने एक प्यारा सा टेडी बियर यहाँ पे रख दिया है पिंक कलर का, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। लाइक फेरी स्टाइल में हमारा ये ड्रेसिंग टेबल कुछ बन के रेडी हो चुका है। और इससे पहले मैं ड्रेसिंग टेबल का ऑलरेडी अपना क्लीनिंग का एंड उसका ये अंदर अभी मैंने नहीं किया है, बिकॉज स्टिकर जो था थोड़ा सा कम भी था, तो अंदर तो अभी मैंने नहीं किया है फिलहाल। मगर हाँ, इससे पहले मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल का किस तरीके से मैं क्लीन करके रखती हूँ, किस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक उसका दे दूंगी। तो दिस इज माई फाइनल लुक ऑफ ड्रेसिंग टेबल। सो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। को ऑफ करने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है पिंक एंड व्हाइट कलर का। तो इस तरीके से मैंने पूरी में ये लाइटिंग लगाई हुई है। और दिस इज माय फेवरेट टेडी बियर, नॉट मेरा, मेरे कृष्णा का फेवरेट टेडी बियर, जो कि मैंने ऊपर रखा हुआ है इसमें। और पिंक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन बनाया है, जो कि मोस्टली गर्ल्स को बहुत अच्छा लगता है। एंड लुक एट द मिरर, कितना प्यारा सा एकदम क्लियरेंस आ रहा है, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से मैंने ये साइड्स में लाइट लगाई है, और लाइट को बंद करने के बाद जस्ट मैंने ये फेरी लाइट जलाई है, तो बिल्कुल क्लीन हमारा फेस जो है वो नजर आ रहा है, पिंकिश था। सो ये है लाइट को बंद करने के बाद का लुक।